तो सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने एक और नए लेक्चर में, जहाँ हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में क्या क्या सीख लिया है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको फ्लक्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था और साथ साथ मैंने आप लोग को गॉस लॉ तक भी मैं आपको ले गया था। गॉस लॉ के एप्लीकेशन की बात करनी थी आज हम लोगों को, कुछ क्वेश्चन मैंने गॉस लॉ के आपको क्वेश्चन में सोल्व कराए थे। और आज की क्लास जब शुरू होती है तो आज की क्लास का मेन मकसद होगा बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, मतलब हम गॉस लॉ की मदद से अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। शायद कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमने पहले सीख रखे हैं, बस हम एक और तरीके से उसको डिराइव करना सीखेंगे और हो सकता है कि एक नया कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल ध्यान से समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, लेकिन उसके पहले छोटा सा वक्त हम अपना देते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन के ऊपर, जो कि है रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। विश्वास करो ये रिलेशन जिन बच्चों को अच्छे से पता होता है, ये रिलेशन को जो बच्चा अच्छे से यूज करना समझ जाता है उसको फ्लक्स के क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगने लग जाते हैं। साथ साथ जो टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं ना फ्लक्स के, वो बहुत ही आसान लगने लगते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आखिर सॉलिड एंगल क्या होता है। ऐसे समझो कि एक स्फीयर है, क्या है बच्चों, स्फीयर, ये सर्कल नहीं है बच्चों, ये स्फीयर है। क्या है, स्फीयर। अगर ये स्फीयर है तो जाहिर सी बात ये पूरा ऐसे होगा ना, ऐसे गोल सा, हाँ सर होगा। मैंने इसके सेंटर से इसका एक सेगमेंट काट के आपको दिखाया है। देखो इस फिगर में, देखो इस सेगमेंट में आपको एक सेगमेंट काट के दिखाया है। तो ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। देखो ध्यान से, ये कैसे ऐसे ऐसे खुल रहा होगा, ये जा रहा होगा यू, हाँ सर जा रहा होगा। तो देखो अगर मैं तुमको देखो बोर्ड को इसको टू डायमेंशन में देखो तो ये तुम्हें ऐसा नजर आएगा, टू डायमेंशन में तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा भाई, ऐसे चिपटा सा नजर आता होगा। तो चिपटा सा नजर आता होगा तो ये जो एंगल है, ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा। कितना मान लेता हूँ थीटा। तो थीटा इज प्लेन एंगल। थीटा क्या कहलाएगा बच्चों, प्लेन एंगल कहलाएगा, प्लेन एंगल कहलाएगा। इसी फिगर का प्लेन एंगल कहलाएगा। यूनिट सर रेडियन, यूनिट रेडियन, शाबाश। पर रियलिटी में ये कोण तो यू खुल रहा होगा ना बच्चों ऊपर की तरफ, तो ये जो पूरा बल्ज पार्ट होता है, ये जो पूरा एंगल बनता है, ध्यान से देखना, ये एंगल, ये हम इस एंगल को बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड एंगल बोलते हैं। थ्री डायमेंशन में इसको डिफाइन किया जाता है और इस सॉलिड एंगल को हम लोग ओम से शो करेंगे। किससे शो करेंगे बच्चों, ओम से शो करेंगे। ओम कहलाएगा सॉलिड एंगल। क्या कहलाएगा बच्चों, सॉलिड एंगल। और इसकी यूनिट क्या होगी, स्टीरेडियन, स्टीरेडियन। कोई दिक्कत है? तो देखो सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशनल बॉडीज के लिए डिफाइन किया जाता है और बल्ज करता है ये एंगल, ऐसे बाहर निकलनी होती है बॉडीज। तो ये वाला जो कर्व है, ये जो एंगल है, हर तरफ से देखने पे ये है इसका सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बारे में एक चीज हम समझते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों के बीच जो हमें याद रखना है। अगर थ्री डायमेंशन में एक फिगर जो सॉलिड एंगल फॉर्म करता है वो ओम के बराबर हो, बल्कि उसी फिगर का टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर थीटा एंगल बनाता है जो कि प्लेन एंगल है, तो हमेशा एक रिलेशन याद रखना है, ओम यानी कि सॉलिड एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू टू पाई वन माइनस cos theta by 2। ध्यान से देखो, ओम इज सॉलिड एंगल, ओम इज सॉलिड एंगल और theta by 2 इज प्लेन एंगल, वेयर theta इज द प्लेन एंगल ऑफ दैट थ्री डायमेंशनल फिगर व्हेन व्यूड इन अ टू डायमेंशन, है ना। तो दो डायमेंशन में देखते हैं जब हम किसी थ्री डायमेंशनल फिगर को, तो जो पूरा एंगल नजर आ रहा है वो प्लेन एंगल है, तो उसका हाफ यूज किया है मैंने फॉर्मूले में, cos ऑफ थीटा बाई टू, cos ऑफ थीटा बाई टू। देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्या इस फॉर्मूले की मदद से आप सर मुझे ये बताओगे कि पूरा स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? देखते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पहले तो ये फॉर्मूला बच्चों नोट करो, बहुत ही तरीके से फॉर्मूला नोट करो, फिर मैं दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं पूरे स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल जानना चाहता हूँ तो पूरे स्फीयर का पहले प्लेन एंगल पता करो। सर ये तो पता ही है कितना होता है, सर 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, कितना होता है भाई 2 पाई, क्या तुम भी जानते हो 2 पाई होता है? हाँ, तो सर इसका आधा कितना हुआ, इसका आधा कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, सिर्फ ये बताओ भाई, सिर्फ ये एंगल कितना हुआ, ये पाई के बराबर हुआ। क्या ये सॉलिड एंगल है? नहीं नहीं सर, हम तो टू डायमेंशन में देख रहे हैं तो मुझे पाई नजर आ रहा है। क्या ये सर्कल है? अरे नहीं भाई, ये तो स्फीयर है। तो क्या ये सॉलिड एंगल भी बनाता होगा कुछ ना कुछ? हाँ, अगर ये पूरा स्फीयर जो सॉलिड एंगल फॉर्म करता है वो ओम के बराबर हो, कितने के बराबर हो बच्चों, ओम के बराबर हो, तो ओम कैलकुलेट किया जा सकता है 2 पाई
माइनस कॉस ऑफ हाफ ऑफ प्लेन एंगल, पूरा प्लेन एंगल था 360, तो आधा प्लेन एंगल कितना हुआ 180 के बराबर है। क्या cos 180 माइनस 1 होता है? हाँ, तो ये जो 1 माइनस माइनस 1 का ये 2 हो जाएगा। हाँ, और 2 पाई इनटू टाइप 2 कितना आएगा बेटा, 4 पाई स्टी रेडियन है ना, तो 4 पाई स्टी रेडियन इज द सॉलिड एंगल फॉर्म बाय अ स्फीयर एट इट्स सेंटर। कोई स्फीयर अपने सेंटर पे जो सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितना आएगा बच्चों, 4 पाई के बराबर। सॉरी, क्यूब अपने सेंटर पे कितना करता होगा, मेरी बात सुनो, कोई भी 3 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर अपने सेंटर पे हमेशा 4 पाई सॉलिड एंगल ही बनाता है। कितना बनाता है बच्चों? सर 4 पाई सॉलिड एंगल ही बनाता है। हम आपकी बात का विश्वास कर लेंगे, करना ही पड़ेगा भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ये सिंपल सा रिलेशन था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच, और अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं आप रिफ्लक्स के सवाल इस सिंपल सा रिलेशन से सॉल्व। देखो देखो भाई, देखो देखो, एक क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज किसी रिंग के एक्सिस पर रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। मान लीजिए रिंग, रिंग के सेंटर से रिंग की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर मौजूद है एक पॉइंट चार्ज क्यू। अगर ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती होंगी ना सर, बिल्कुल निकलती होंगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसका रेडियस r, इसका रेडियस कितना बच्चों, r के बराबर है। इसका रेडियस r के बराबर है। अब मैंने क्या कहा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल सकती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, हाँ सर। ऐसे भी निकल रही होगी कोई, क्या बेटा, हाँ सर। तो देखो, इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैं ऐसे बना देता हूँ रैंडम जल्दी जल्दी। ये भाई खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखा दी तुमको, ये तो मैंने कुछ ही दिखाई है, और भी होंगी बहुत सारी, बहुत सारी और भी हो सकती है। मेरी बात सुनो, क्या इससे निकलने वाली कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रिंग से भी गुजरेगी? गुजरेगी सर, बिल्कुल गुजरेगी। अगर रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी तो क्या रिंग से फ्लक्स पास करेगा? हाँ सर, फ्लक्स लिंक करेगा। और कितना फ्लक्स लिंक करेगा, यही तो कैलकुलेट करना था हमको सवाल में। कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक्ड विद रिंग बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है इस रिंग के साथ, हमें यह कैलकुलेट करना है। अब कैसे करें सर, अब कैसे करें यार? सर पहले तो आपने तरीका बताया था, इसको क्लोज फिगर बना दो। क्या बना दो? क्लोज फिगर बना दो। कैसा बनेगा? सिमेट्रिकल क्लोज बनाना था भाई, मैंने तो ये सिखाया था कि कैसा बनाओ, सिमेट्रिकल क्लोज फिगर बनाओ। सर सिमेट्रिकल क्लोज फिगर के लिए क्या एक सिलेंडर नहीं बना सकता ऐसे? नहीं, सिलेंडर नहीं बनाओगे बेटा। सिलेंडर बनाने से क्लोज फिगर बनेगा पर वो सिमेट्रिक फिगर नहीं बन पाएगा। फिर क्या करोगे सर? देखो ऐसे एक रिंग बना दो, यू, फिर यू, फिर यू, फिर ऐसे एक रिंग, फिर ऐसे एक रिंग, फिर ऐसे एक रिंग, फिर ऐसे एक रिंग, फिर ऐसे एक रिंग। ये सारे रिंग मिलके इसके लिए सिमेट्रिक होंगे, ये सारे रिंग मिलके इसके लिए सिमेट्रिक होंगे। अच्छा छोड़ो, फिगर सोचना तो बड़ा टफ लग रहा है सर, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, कोई और तरीका है क्या? है ना, जो भी सिमेट्रिक फिगर होगा, जो भी सिमेट्रिक फिगर होगा, क्या वो चार्ज पे यानी कि सेंटर पे सॉलिड एंगल 4 पाई के बराबर बनाता होगा? हाँ सर, इतना तो पक्का है कि जो भी सिमेट्रिक फिगर होता वो सेंटर पे हमेशा, वो सेंटर पे हमेशा जो सॉलिड एंगल बनाता वो कितना होता? 4 पाई। अब एक बार को मान लो वो सिमेट्रिक फिगर है, कैसा दिखता है मुझे महसूस नहीं करना, पर है। अगर सिमेट्रिक फिगर है तो टोटल सिमेट्रिक फिगर के बीचों बीच रखा हुआ चार्ज क्यू उस पूरे फिगर से जो फ्लक्स बनाता वो होता Q by epsilon naught के बराबर। यही तो हमसे हमारे गॉज साहब ने कहा था, यही तो हमारा गॉज थ्योरम हुआ करता था कि 4 पाई सॉलिड एंगल से, 4 पाई सॉलिड एंगल से जो टोटल फ्लक्स लिंक करता है वो कितना होता है बच्चों? Q by epsilon naught के बराबर। आखिर अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस रिंग का सॉलिड एंगल कितना है, यानी ये एंगल, अगर मुझे कैसे भी ये पता चल जाए सॉलिड में, सॉलिड फॉर्म में, कि ये रिंग का ये एंगल कितना है, तो क्या मेरा सवाल आसान ना हो जाए? हो जाएगा ना सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो किसी तरीके से ये सॉलिड एंगल पता करते हैं। सॉलिड एंगल पता करने के लिए जरूरी है सर पहले प्लेन एंगल आप पता करो। प्लेन एंगल के लिए देखो ध्यान से, ये क्या प्लेन एंगल का आधा है? फील करते हैं, फिगर में रफ करके तो मैं दिखाता हूं। देखो ये है मेरी रिंग, ये है मेरा सेंटर, यहां पर सॉरी वो जगह यहां पर मेरा चार्ज है क्यों। रिंग के टॉप से इसको ज्वाइन करता हूं मैं, और बॉटम से भी ज्वाइन करता हूं। ओहो गलती हो गई, लो फिर से देखो,
हाँ सर बढ़िया, ये जो पूरा एंगल है क्या यही प्लेन एंगल है अगर मैं टू डायमेंशन में दिखा रहा हूं तो सर फॉर्मूले में मुझे प्लेन एंगल का आधा चाहिए ना, तो क्या मेरे को बस ये एंगल किसी तरीके से मिल जाए, इतना एंगल अगर मुझे मिल जाए तो क्या मेरा काम हो जाएगा। हाँ ये एंगल कितना होगा सर, देखो सर मान लेते हैं एंगल थीटा हो, कितना हो थीटा हो तो कॉस थीटा होता है सर, कॉस थीटा होता है सर बेस यानी कि एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मुझे कॉस थीटा मिल गया, क्या मुझे कॉस थीटा मिल गया, एक्चुअली कॉस थीटा मिल गया का मतलब देखो कंफ्यूज नहीं ना, एक काम करते इसको अल्फा मान के चलता वरना को भी सर आप तो गलत पढ़ा दिए। अरे गलत नहीं पढ़ा रहा भाई, अल्फा है, अल्फा एक्चुअली क्या है प्लेन एंगल का आधा, और फॉर्मूले में भी क्या चाहिए प्लेन एंगल का आधा, ध्यान से देखो फॉर्मूला प्लेन एंगल का आधा ही चाहिए उसमें, तो मैंने प्लेन एंगल का आधे का कॉस अल्फा निकाल लिया, शाबाश सर बहुत बढ़िया किया। अब जरा मुझे बताओ अगर ये पूरा फिगर इस पर्टिकुलर रिंग पे सॉलिड एंगल बना रहा है ओम के बराबर तो आखिर वो ओम कितना होता, आखिर वो ओम कितना होता, 2π 1 माइनस कॉस अल्फा, शाबाश। अब एक बात सुनो, 4π सॉलिड एंगल में जो टोटल फ्लक्स है वो है q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हर एक सॉलिड एंगल में कितना हुआ q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट, सर कौन सी बड़ी बात है, तो सर आप बताओ ओम सॉलिड एंगल में कितना हुआ, सर आंसर हो जाएगा q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू ओम, ये हो जाएगा, क्या सही है। हाँ तो बस लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इस स्टेप का यूज करके हम अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आखिर सॉलिड एंगल कितना है, तो इसका मतलब जो फ्लक्स इस रिंग से लिंक कर रहा होगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू ओम के बराबर, जहां पे ओम खुद कितना है 2π 1 माइनस कॉस अल्फा, जहां पे कॉस अल्फा कितना है एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वो फ्लक्स है जो इस रिंग से पास कर रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल था और हमने बहुत ही तरीके से इसको सीखा है, कैसे किया है सर एक बार प्लीज समझा दो फिर से, देखो ध्यान से, सबसे पहली बात मुझे रिंग से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये कैलकुलेट करना था, समझते हो, हाँ सर समझते हैं, उसके लिए मुझे मेरे चार्ज को एक क्लोज्ड सिमेट्रिकल फिगर में लाना जरूरी था, हाँ सर, पर इस बार क्लोज्ड सिमेट्रिकल फिगर बनाना इतना आसान नहीं दिखा, हाँ सर, तो मैंने क्या सोचा, मैंने कॉन्सेप्ट सोचा सॉलिड एंगल का कि अगर पूरा फिगर क्लोज हो जाता चाहे वो जैसा भी दिख रहा होता क्या वो सेंटर पे 4π एंगल बनाता, हाँ, और एक पूरी तरीके से क्लोज फिगर में रखा हुआ चार्ज क्या q by epsilon not फ्लक्स बनाता, हाँ, तो इसका मतलब 4π सॉलिड एंगल से हमेशा q by epsilon not फ्लक्स होता है, तो आखिर ओम सॉलिड एंगल से कितना होगा q by epsilon not into 1 upon 4π into ओम के बराबर, कैसे समझते हो, मैंने यहाँ लिखा भी है 4π से q by epsilon not तो हर एक उससे उतना तो ओम एंगल से इतना, क्यों समस्या, बस इतना ही तो खेल था। फिर मैंने मेरी रिंग के लिए चार्ज पे बनने वाला सॉलिड एंगल कैलकुलेट किया, सॉलिड एंगल कैसे कैलकुलेट किया सर आपने, यही तो प्रॉब्लम हुई मुझको, नहीं बेटा क्या दिक्कत है, पहले मैंने रिंग से जो प्लेन एंगल बना वो भी प्लेन एंगल का आधा मैंने पहले वो कैलकुलेट कर लिया, प्लेन एंगल का आधा, और मुझे सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन पता था, बस मैंने रिलेशन का इस्तेमाल किया, सारी चीजों को यहाँ पे पुट किया और मेरा फ्लक्स निकल के आ गया, तो हद से ज्यादा आसान था ये कॉन्सेप्ट, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। अब मुझे जानना तो जरूरी है ना भाई कि आप ये सब समझ भी पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, तो उसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा करने के लिए, एक क्वेश्चन तो देना बनता है भाई, देखो ध्यान से, देखो मान लो एक सिलेंडर लेते हैं, इस सिलेंडर की बिल्कुल बीचों बीच एक रखते हैं चार्ज कैपिटल क्यू, सिलेंडर की ये लेंथ 2R के बराबर, बल्कि दोनों तरफ का रेडियस R के बराबर, सेंटर पर रखा है क्यू दूरी भी बेटा
आर के बराबर है। क्या ये चार्ज सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर है? हाँ सर है। क्या ये चार्ज सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर है? हाँ सर है। तो पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस से आखिर ये चार्ज कितना फ्लक्स बना रहा होगा? सर सीधी बात है यार, क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बना रहा होगा। तो क्या पूरे सिलेंडर की वजह से, सॉरी पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स लिंक किया होगा या जो फ्लक्स पास करेगा इस पॉइंट चार्ज का, क्या वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है? हाँ। सवाल क्या है सर आपका? सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर के कर्व वाले पार्ट से कितना फ्लक्स लिंक किया है या कितना फ्लक्स पास किया है, तुम्हें कमेंट में इसका आंसर बताना है। कैसे करें सर, ये तो बड़ा फंसा रहे हो आप। नहीं नहीं यार, देखो ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं सवाल। पूरे सिलेंडर की वजह से फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं बता दे रहा हूं भाई। तुम्हें बताना है कि सिर्फ कर्व वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला पोर्शन, आखिर इसकी वजह से कितना करेगा पास। तो देखो सुनो ध्यान से, इस पूरे सिलेंडर में तीन सरफेस हैं। एक है इधर वाला सर्कल, एक है इधर वाला सर्कल, और एक है ये कर्व वाला पार्ट। अगर मैं पूरा का जानता हूं, अगर मैं इस सर्कल से कितना फ्लक्स पास किया, इस सर्कल से कितना फ्लक्स पास किया, ये अलग से कैलकुलेट कर लूं, तो पूरे में से इन दोनों का फ्लक्स माइनस करके क्या बचा हुआ फ्लक्स ही मेरा आंसर होगा। हाँ, काफी हिंट दे दी मैंने बच्चों। और इस सर्कल से, इसको एक रिंग जैसा महसूस करो, तो इस रिंग से कितना फ्लक्स पास करेगा, यही तो सवाल अभी मैंने तुम्हें सिखाया है। तो क्या एक रिंग की वजह से फ्लक्स निकाल के इंटू टू करके और टोटल फ्लक्स में से उसको माइनस कर दिया जाए तो हमारे कर्व वाले पार्ट का फ्लक्स निकल के आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो बस सब कुछ बता दिया है मैंने, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, वो मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा इस बार। प्लीज इसका आंसर निकालो और कमेंट में बताओ कि क्या आएगा आखिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। चलो बहुत ही आसान सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, आप हेडिंग लिख लो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मैं सीधे काम पे आता हूं। देखो सबसे पहला एप्लीकेशन है, मुझे गॉस लॉ की मदद से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलो ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो। मान लो मुझको एक सवाल करना है। अच्छा पहले उसके हर बार याद रखना, गॉस लॉ ने फ्लक्स के बारे में बातें की हैं। किसके बारे में बातें की हैं? फ्लक्स के बारे में बातें की है। और मैंने तुम्हें बहुत ढंग से समझाया है, जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज को याद रखते हैं सिर्फ। पर याद रखना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्चुअली सब चार्ज की वजह से होती है। भले ही फॉर्मूले में सारे चार्ज नजर आते हो चाहे ना नजर आते हो, भले ही फॉर्मूले में सिर्फ अंदर वाले चार्ज दिख रहे हो, पर जो फील्ड है वो सबकी वजह से है, पर फ्लक्स सिर्फ अंदर वालों की वजह से होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, फ्लक्स के दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला तो है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक और फॉर्मूला है फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग E dot ds वेक्टर का इंटीग्रेशन। ये डॉट प्रोडक्ट हुआ करता था। ये दो ही फॉर्मूले मैंने तुम्हें सिखाए हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करने वाला हूँ। हर क्वेश्चन में मैं दोनों ही फॉर्मूले यूज करूंगा और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता चला जाऊंगा। जिसमें सबसे पहले मैं तुम्हें क्या डेरिवेशन सिखा रहा हूँ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताना है। कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताना है। तो देखो स्टेप्स का याद रखना, मैं स्टेप्स एक-एक सिखा दे रहा हूं एक क्वेश्चन में। स्टेप नंबर वन, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट के ठीक बाहर से, मतलब जस्ट बगल से, बिल्कुल जस्ट बगल से टच करके क्या करके बच्चों, टच करके गाना नहीं गाओगे, मेरी बात सुनो। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट के जस्ट बगल से एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लो। क्या इमेजिन कर लो? गॉसियन सरफेस। अरे सर ये क्या होता है गॉसियन सरफेस भाई, बताया तो कोई भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस। कैसा बनाना है? कोई भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस। देखो ध्यान से, क्या इस पॉइंट के ठीक बाहर, हाँ कोशिश करना, अगर एक अच्छा गॉसियन सरफेस चूज कर पाओ सिमेट्रिक तो बेहतर रहेगा, तुम्हारी कैलकुलेशन में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। इस पॉइंट के ठीक बाहर से मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर सकता हूँ क्या? कर लो सर। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने इमेजिन किया, तो इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स जुड़ा होगा जरा मुझे बताओ गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो टोटल फ्लक्स इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से मिलने वाला है क्या वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट? हाँ सर। जरा इस फॉर्मूले से बताओ क्या फ्लक्स आएगा।
सर इस फॉर्मूले से आएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो। सर ये कैसे कर दिया कॉस जीरो भाई, क्या कर अभी तो सिखाया था स्फेरिकल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बाहर निकलती ना हर जगह, और एरिया वेक्टर में तो हमेशा ऐसे ही होता है, पिछले ही लेक्चर में ऐसा एक सवाल कराया था। तो ई और ए हर बार जीरो डिग्री पे होते हैं भाई, इसलिए कॉस जीरो लिख दिया है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं किया है इसको, पर कॉस जीरो तो वन होता है सर। हाँ हाँ मैंने कहा मना किया, कॉस जीरो तो वन होता है, तो इन दोनों ही फॉर्मूले को रिलेट करो तो क्या ये ही फ्लक्स है, यही फ्लक्स है, पर ये भी तो फ्लक्स है। हाँ सर दोनों ही फ्लक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या cos 0 1 होता है? हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर जो भी होगी वो कांस्टेंट तो होगी ना भाई? हाँ सर होगी ना। तो e ds इंटीग्रेशन ऑफ ds और cos 0 को मैंने 1 लिख दिया इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, के ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल एरिया। हाँ, पर एक स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर, कितना होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर, तो ये जाएगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ जरा बताओ यहाँ से ई कितना निकलेगा बच्चों, यहाँ से ई कितना निकलेगा, यहाँ से ई निकल के आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कुछ बोलते हैं क्या? के बोलते हैं सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही वो फॉर्मूला है जो हमने एकदम स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में पढ़ा था। हाँ सर, क्या तुमको इसका ग्राफ याद है? हाँ सर, पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर ये एक्सिस है तो यहाँ ऐसा बना करता था, नेगेटिव के लिए इधर और इधर बना करता था, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो ऐसा बना करता था। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है कि ये वही मौका है जो हमने पहले भी देख रखा है। हाँ सर देख रखा है। तो देखो कितना आसान है गॉस लॉ का इस्तेमाल करके किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर पाना। क्या किया हमने सर, फिर से एक बार मुझे स्पीड बताओ, सॉरी एक बार स्टेप्स बता दो क्योंकि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है। हाँ भाई स्पीड ज्यादा नहीं रखूंगा, अब तो कब रखूंगा, सुनो ध्यान से। पहली स्टेप ये कहती है कि जिस पॉइंट पे निकालना है फील्ड उस पॉइंट के जस्ट बगल से एक क्लोज गॉरिजन सरफेस बना लो, बढ़िया। फिर फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट, एक होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। इससे निकालो फ्लक्स, इससे निकालो फ्लक्स, दोनों को करो रिलेट, आमने सामने ले जाओ, निकल के आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एंगल का खेल हमेशा रहेगा। इस बार मैंने जल्दी किया है क्योंकि ठीक कल के लेक्चर में मैंने एक ऐसा कंसेप्ट सिखाया था कि हमेशा जो स्फेरिकल सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर उसमें हमेशा जीरो डिग्री पे हुआ करते हैं, पर हो सकता है सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें मतलब समय लेके पूरा समय लेके एंगल के साथ खेलना सिखाऊंगा। और पहला पहला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे खत्म हो चुका है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना सीख लिया है। मैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलता हूँ, गॉस लॉ के ध्यान से देखो, मैं सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलता हूँ, हेडिंग लिख लो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। ये क्या होता है सर? अरे लाइन चार्ज दिखाया था ना भाई, फॉर्मूला क्या था 2k लैम्डा बाई r, कुछ याद आ रहा है 2k लैम्डा बाई r? देखो ध्यान से दिखाता हूं। देखो मान लो मेरे पास एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, देखो इस लीनियर चार्ज पे चार्ज डेंसिटीज की लैम्डा है, मुझसे कहता है यहां से आर रेजिस्टेंस पे पॉइंट है, आखिर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बताओ। क्या कहता है मुझसे बच्चों, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बताओ। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए, सुन लेना ध्यान से। अब देखो डेरिवेशन, सर आपने जो जो स्टेप बताए थे उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला काम है गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। कैसा बनाए गॉसियन सरफेस जो इसके लिए सिमेट्रिक हो? सर ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है ना, तो कैसे इसको उठाएंगे? एक काम कर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दो। कैसा बना दो बच्चों? सिलेंड्रिकल। क्या मैं आर लेंथ का एक सिलेंडर पकड़ लूं ऐसे और ऐसे एक सरफेस बना सकता हूँ? हाँ सर। ये क्या आर पॉइंट से बहुत दूर है? नहीं सर जस्ट बगल से है भाई, परेशान नहीं होना। ये गॉसियन सरफेस ऊपर तक नहीं जा रहा है, नीचे तक नहीं जा रहा है, मैंने इतने में इसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर तक जाए तो कहां तक, आखिर कहां तक, हमको एंड पता नहीं चलता। आखिर इसकी लेंथ एल मान लेता हूं, कितनी ले लेता हूं बच्चों एल। तो जरा बताओ इस स्फेरिकल सॉरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना मौजूद है? सर इस सरफेस के अंदर तो इतना ही चार्ज है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, क्या इतना ही है? हाँ। ये कितना होता सर? लैम्डा चार्ज लेंथ पर यूनिट लेंथ है, एल इसकी पूरी लेंथ है, तो टोटल चार्ज इसके अंदर वो है लैम्डा एल के बराबर। कितना है चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर? लैम्डा एल के बराबर। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स इस सरफेस से पास करना चाहिए वो कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर सर। और वो कितना आ जाएगा?
लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। शाबाश, क्यों फ्लक्स का एक फॉर्मूला और है जिसको हमें सही से यूज करना है और हमारा आंसर हमारे पास होगा। बिल्कुल उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए अब करता हूं मैं अपनी स्पीड को थोड़ा कम, समझाता हूं ज्यादा। पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने सरफेस हैं इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्लोज फिगर में कितने सरफेस हैं? तीन है, एक ऊपर वाला रिंग जैसा दिख रहा है जो, एक नीचे वाला रिंग जैसा दिख रहा है जो, और एक कर्व। हमें तीनों के लिए अलग अलग फ्लक्स निकालना होगा, टोटल फ्लक्स करना होगा और टोटल फ्लक्स को इसके बराबर रखेंगे क्योंकि ये टोटल फ्लक्स है। ये कैसा फ्लक्स है बच्चों? टोटल फ्लक्स। तो देखो पहली बात तो ये कि हमें इतना तो पता ही है ना बच्चों, हमें इतना तो पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे निकलती है अगर वो पॉजिटिव चार्ज की रॉड होती तो। हाँ सर इतना तो पता ही है, ऐसे निकलती है। हाँ सर इतना तो पता ही। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सबसे पहले मैं ऊपर वाले सरफेस का फ्लक्स लिखता हूं फाई वन। फाई वन ये वो सरफेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा बच्चों? सर एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। पर क्योंकि थ्री डायमेंशनल क्लोज है तो आपने कहा था हमेशा आउटवर्ड लेना है। तो क्या फाई वन कैलकुलेट करते समय जो एरिया वेक्टर मिला इस सरफेस का, भाई इस सरफेस का ध्यान से देखो, क्या इसका एरिया वेक्टर ऊपर मिला? हाँ। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रही है? हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल बच्चों 90 डिग्री है, सब तो मैं अच्छे से करना होगा, मैं समझा रहा हूं सिर्फ। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है तो phi1 कितना निकल के आएगा? E into A into cos of 90 degree, और cos 90 बटा 0 होता है तो flux में कितना आया? 0। चलो इस surface की बात करते हैं। इसका एरिया वेक्टर कहां होता सर? इसका एरिया वेक्टर नीचे होता। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर है। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है बच्चों? सर 90 डिग्री है। तो देखो phi2 भी क्या निकल के आता? phi2 आता E into A into cos 90, क्या वो भी जीरो होता? हाँ सर वो भी जीरो होता। अब क्या बचा? अब बचा है ये वाला पार्ट सर। इस वाले पार्ट में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रही होगी, ऐसे बाहर जा रही होगी, यू बाहर जा रही होगी, पीछे बाहर जा रही होगी, साथ साथ एरिया वेक्टर भी महसूस करो ना यार। अगर एक ऐसा फिगर है तो इसके लिए आउटवर्ड डायरेक्शन तो यही है ना भाई। तो हर बार ई वेक्टर ए वेक्टर, ई वेक्टर ए वेक्टर, ई वेक्टर ए वेक्टर कितने एंगल पे है भाई? सर जीरो डिग्री पे है। सर जीरो डिग्री पे है तो फाई थ्री कितना निकलता? ई ए ए कितना होता है सर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या 2 पाई आर एल होता है? हाँ सर। कॉस 0, ई ए कॉस 0, और 0 कितना होता है बच्चों? सर 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं पूछूं टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स मैं इसको रब कर रहा हूं तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे का डेरिवेशन देखना ध्यान से। मुझे पता है सारी चीजें क्या है इसलिए मैं रब करके भी कर लूंगा, पर तुम पहले नोट करो ध्यान से। तो देखो टोटल फ्लक्स कितना आया? टोटल फ्लक्स कितना आया? टोटल फ्लक्स आता है phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। phi1 0, phi2 0, phi3 e into 2 pi rl। कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं सर। पर ऊपर वाला टोटल फ्लक्स और नीचे वाला टोटल फ्लक्स एक ही फिगर का टोटल फ्लक्स है तो दोनों बराबर होना चाहिए, होना चाहिए सर। मैंने कहा, मैंने किया तो e into 2 pi rl, e into 2 pi rl किसके बराबर हुआ? lambda l upon epsilon not के बराबर हुआ सर। क्या l से l कैंसिल? लो भाई कैंसिल, यहां से e आ गया, e आ गया भाई, जो निकालना था कितना आया? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अरे कैपिटल आर ले लिया, पूरा डेरिवेशन में हां बोल इसको कैपिटल आर ले लो। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्या इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं? कर दो सर। जब मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 2 लैम्डा अपॉन, नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मैं और के लिख सकता हूं के। अरे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं बच्चों? के। तो 2 के लैम्डा बाई आर। ये देखो भाई, क्या ये वही फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ा था? हाँ। क्या हमने इसका ग्राफ बनाया था? हाँ सर, बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, 1 अपॉन आर वाला ग्राफ बनता था, याद करो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ बना करता था। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन चेंज हो जाया करती थी, इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। पर था ये आखिर बहुत ही आसान, था ये आखिर बहुत ही आसान। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, मैं कोई भी डेरिवेशन जो यहाँ पे करने जा रहा हूं स्टेप्स कभी भी नए यूज नहीं करूंगा,
सबसे पहला स्टेप में हमेशा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, मैं उसके जस्ट बगल से एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करता हूं। फिर मैं उस गॉसियन सरफेस पर कितना फ्लक्स लिंक करता है गॉस लॉ की वजह से मैं उसको कैलकुलेट करता हूं, और एक नॉर्मल फॉर्मूला जो फ्लक्स का होता है उसकी वजह से कैलकुलेट करता हूं। जब मैं नॉर्मल फॉर्मूला का यूज करता हूं ना बच्चों, तो जो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है E वेक्टर और A वेक्टर के लिए एंगल कितना है उनके बीच, E वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। मेरी बात ध्यान से समझना, गॉस लॉ कभी गलत नहीं हो सकता। हो सकता है गॉस लॉ लगा के तुम आंसर निकालो तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाए, पर इसका मतलब गॉस लॉ गलत है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हो सर, आप तो फंसा रहे हो। चलो इस पॉइंट को अभी बाद में प्रूव करूंगा, उससे पहले फिर से सोच लो ध्यान से, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, आपको क्वेश्चन करने के लिए अपने फिगर को हो सकता है टुकड़ों में तोड़ना पड़े। जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने फिगर को तीन टुकड़ों में तोड़ा था, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग और बीच वाला कर्व अलग। मैंने ऊपर वाले का फ्लक्स अलग निकाला था, नीचे वाले का फ्लक्स अलग निकाला था, और बीच वाला जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें से फ्लक्स अलग निकाला है। लास्ट में मैंने तीनों को ऐड किया है और मेरा आंसर आया है। गॉस लॉ के बराबर रखा है और वहां से मेरा आंसर आया है। तो शाबाश बच्चों, मुझे लगता है तुमने दोनों डेरिवेशन ढंग से सीख लिए होंगे। जब अपनी कॉपी में तुम ये डेरिवेशंस नोट कर रहे होगे बेटा, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, डेरिवेशन जैसे ही खत्म हो पॉजिटिव लीनियर चार्ज का ग्राफ बना लेना, नेगेटिव लीनियर का ग्राफ बना लेना, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना लेना। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में सिखा रखा है, अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखो एक बार, वहां तुम्हें सब कुछ समझ में आता जाएगा। मैं दोबारा ग्राफ पर टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा समझता हूँ कि कुछ और चीजें तुमको सिखाऊं वो बेहतर होगा, पर तुम्हारी कॉपी के नोट्स में, स्पेशली नोट्स में ग्राफ का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टिल सर मुझे नहीं याद आ रहा है, या मैंने उस टाइम पे आपके नोट्स नहीं बनाए थे, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कर दिया बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे लिंक में, आज डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं पीडीएफ की एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को खोलो, लिंक की मदद से देखते चलो कैसे वहां पे नोट्स बनाए हैं मेरे बच्चों ने, और उन नोट्स को भी आप कॉपी आराम से कर सकते हो। तो इतना काम जरूर करना, चीजों को समझना। और अब मैं आता हूं उस पॉइंट को समझाने के लिए कि गॉस लॉ कभी गलत नहीं हो सकता है, हो सकता है गॉस लॉ की वजह से आने वाला आंसर गलत हो जाए। कैसे कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो, देखो भाई क्या कह रहे हो, देखो। अगर ये लीनियर चार्ज का जो रॉड था, क्यों मैंने इनफाइनाइट रॉड लिया सर, मैं फाइनाइट रॉड के लिए फॉर्मूला लगाऊं तो लो, मान लो ये फाइनाइट रॉड है, फाइनाइट लेंथ है l, चार्ज इसमें है लैम्डा, चार्ज डेंसिटी सॉरी लैम्डा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया सर लैम्डा है। इस पे आप गॉस लॉ क्यों नहीं लगाते, लो लगाओ। क्या तुम गॉस लॉ लगाने के लिए यहाँ से r डिस्टेंस पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हाँ, तो क्या तुम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करोगे, हाँ सर, लो भाई कर लिया। क्या पूरा का पूरा रॉड इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ चुका है, हाँ सर। अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है सर, क्योंकि पूरा का पूरा रॉड अंदर आ चुका है तो सबसे पहले हम गॉस लॉ का यूज करके इसके अंदर मौजूद फ्लक्स निकाल लेंगे, जो कि मुझे लगता है इतना ही होगा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम फ्लक्स के नॉर्मल डेफिनेशन का यूज करके, सारे ही सरफेस के नीचे से अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे। अब मेरी बात सुनो, क्या जब एक फाइनाइट लेंथ की रॉड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मिलती क्या वही यहां मिलती, नहीं बच्चों, जो यहां मिलती क्या वही यहां मिलती, नहीं बच्चों। अब याद दिलाता हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, नहीं, क्योंकि जब हमको फाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना होता था तो शायद ये एंगल जो कि ये लाइन से ऊपर और नीचे वाला पॉइंट, ऊपर और मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बना रहा होता है, क्या वो एंगल भी फॉर्मूले में आता था सर, याद करो फॉर्मूले में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 या फिर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 ऐसे दो फॉर्मूले आते थे, ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर, ऐसा एक कॉन्सेप्ट सीखा था हम लोगों ने, हाँ सर सीखा था। तो क्या ये एंगल जैसे ऐसे, क्या मैं जब यहाँ पे इस पॉइंट के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बल्कि इस पॉइंट पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, हाँ, क्या इस पॉइंट पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, हाँ, क्या इस पॉइंट पे कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, हाँ, तो क्या मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन E dot ds जो कि दूसरा फॉर्मूला है फ्लक्स का, उसमें E को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल पाता, नहीं,
ईगो कॉन्सेंट मन के बाहर नहीं निकाल पाता जैसा कि मैं अभी तक करता आ रहा था दोनों ही डेरिवेशन में। जब ईगो कॉन्सेंट मन के बाहर ही नहीं निकाल पाता तो वो इंटीग्रेशन ही कभी सॉल्व नहीं हो पाता। और मैं चाह कर भी गॉस लॉ का इस्तेमाल करके इस फाइनाइट लेंथ की रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव तुमको नहीं करवा पाता। मुझे वो बेसिक तरीके से सिखाना होता जैसे मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक वन में सिखाया था। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि गॉस लॉ यहाँ वैलिड नहीं है। भूल के भी ये गलती मत कर देना। क्वेश्चन आता है गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनफाइनाइट रॉड बट इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ अ फाइनाइट रॉड। गलत है ये स्टेटमेंट। गॉस लॉ सही है भाई, हम ई और ए वेक्टर के बीच एंगल सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं इसलिए हम इंटीग्रेट। अरे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट ना, वो अभी भी है। हम दूसरा वाला फ्लक्स का फॉर्मूला सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गॉस लॉ कहीं से भी गलत नहीं है। हाँ, फिर भी फाइनाइट रॉड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव नहीं कर पाएंगे। फाइनाइट रॉड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव नहीं कर पाएंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो आज मैंने आपको सिर्फ दो डेरिवेशन सिखाया है बेटा, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिखाया है, और फिर मैंने आपको सिखाया है एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है गॉस लॉ की मदद से। मैं बार बार बोल रहा हूँ गॉस लॉ के सारे डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड के लिए भी आपके कॉम्पिटिशन के लिए भी, इसलिए जरूर अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। मैं पीडीएफ में जितना भी मैंने आज का टॉपिक कवर किया है, चाहे वो सॉलिड एंगल हो, चाहे वो पिछला क्लास हो फ्लक्स वाला वो, और चाहे वो गॉस लॉ के दो डेरिवेशन हो, मैं यहां तक का सारा नोट्स आपका शेयर कर दूंगा। आप नोट्स को जरूर रेफर करें, कमेंट में एक क्वेश्चन मैंने पूछा है आज, हां पूछा तो है, वो कर्व सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स लिंक करता है, मैंने ये पूछा है आपसे, अगर तुमको याद आ रहा हो तो। पॉइंट चार्ज रखा था सिलेंडर के बीच, प्लीज उसका कमेंट जरूर करें, मुझे जानना है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि आपका कमेंट आता है, तो मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है, और उतनी ही मुझे ताकत मिलती है कि मैं अगली बार और भी ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ लेक्चर आपके सामने लेके आऊं। तो एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करना मत भूलना, आंसर बताओ क्या आ रहा है, ट्राई करो एटलीस्ट यार, ट्राई तो करो, तुम गलत आंसर दो चलेगा, बस दो, क्या बात समझ पा रहे हो? हाँ सर, तो बस यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खाते पीते रहो, अपना ध्यान रखो और अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखो। चलो थैंक यू।